हे गाइस यार, देखो आज मैं बात करने वाला हूँ डंकी मूवी के अपडेट के बारे में, जो कि काफी अच्छी और काफी इंटरेस्टिंग अपडेट निकल के आ चुकी है, जो क्या सुनने के बाद तुम कुछ ज्यादा एक्साइटेड होने वाले हो। और भाई मैं भी पर्सनली कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ, तो मैं सब कुछ कवर करने वाला हूँ। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को सब अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, आपको पता ही होगा भाई डंकी के जो मेकर्स हैं वो सोच समझ के कितना चल रहे हैं कि प्रमोशन को लेकर के कितना सोच समझ कर रहे हैं, आप जानते हो। तो मेकर्स की तरफ से ये अनाउंसमेंट कर दी गई है कि इसकी प्रमोशन के ऊपर कुछ दिनों बाद फिर काम शुरू कर दिया जाएगा। साथ में इसके टीजर को लेकर के, जैसे मैंने आपको बताया भी था पहले, इसका टीजर ट्रेलर हमें देखने को मिल सकता है, वो भी शाहरुख खान के बर्थडे के दिन, ये कन्फर्मेशन कर दी गई है मेकर्स की तरफ से। साथ में भाई इसकी प्रमोशन के ऊपर जोर जोर से काम चल रहा है ना, यकीन नहीं होता कि इस लेवल पे भाई इसकी प्रमोशन के ऊपर काम चल रहा है। मैं तो सोचने वाली बात यह है कि सलार का क्रेज तो बना ही हुआ है, लेकिन डंकी का क्रेज डबल बन गया है इसकी वजह से यार। मतलब SRK अपनी इस मूवी के लिए ना कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर रहा है, चाहे कोई और सी मूवी क्यों ना हो जो इनकी पहले रिलीज हुई थी, लेकिन इसके लिए इसलिए इतनी मेहनत करे कि जानते हो अपोजिट में कौन सी मूवी है, सलार। और भाई ये भी कुछ कम नहीं है, तो जाहिर सी बात है SRK डबल मेहनत कर रहे हैं सही में। और साथ में इनके मेकर्स भी लगे हुए हैं, क्योंकि यार मेकर्स ये सोच रही है ना कि इसके पोस्टर के साथ साथ हम इसके टीजर को रिलीज करें, साथ में इसके प्रमोशन को बहुत मतलब ग्रैंड लेवल पर शूट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जो बड़े बड़े लोकेशन हैं वहाँ जाकर के प्रमोशन करने की सोच रहे हैं। अब देखना है कि सही में यार ऐसा होता है कि नहीं होता कि ये सलार को पीछे कर पाती है इतना प्रमोशन करने के बाद भी, तो वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा मूवी रिलीज होगी। लेकिन जो भी यार मजा आने वाला है, और भाई मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ इसके लिए। तुम अपने कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें क्या लगता है भाई ये डंकी कितना कमा के जाने वाली है, और तुम डंकी के लिए कितनी ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और तुम्हें क्या लगता है भाई सलार को पीछे कर पाएगी डंकी की नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कहीं तरह वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगता तो वीडियो को लाइक कर देना। बस मैं आज के लिए अलविदा देता हूँ, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, बाय।